नमस्कार साथियों, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स आपकी परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग अपनी एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे, चाहे आपका एमपीपीएससी का हो या दरोगा का हो, एमपीएसआई का या व्यापम की और भी एग्जाम हो, उनमें अच्छी खासी संख्या में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोग पिछली क्लासों में 2021 का भी करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं, खासकर मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जनवरी 2022 का हो, फरवरी 2022 का हो या मार्च 2022 की जो भी घटनाएं हो, उनके बारे में भी बात कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम लोग अप्रैल महीने का 2022 में जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित घटनाएं घटी हैं, उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आप देखिए, एमपीपीएससी हो या और भी एग्जाम हो, इनमें पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। और वैसे भी हम लोगों ने एक साल का पूरा भारत का हो, विश्व की कहीं की भी घटनाएं हो, उनके बारे में भी बात की हुई है। तो समसामयिक की घटनाचक्र 2022 के नाम से एक प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें लास्ट एक साल का करेंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप तो देखते रहिएगा। चलिए तो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली घटना कौन सी है। वंदे भारत, आप लोगों ने ट्रेन सुनी है, एक खजुराहो से आप देखेंगे ये चलेगी। हाल ही में हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्हें तो आप लोग जानते होंगे, रेल मंत्री को, वंदे भारत ट्रेन, तो आप देखेंगे ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत मध्य प्रदेश के खजुराहो से करने की इन्होंने घोषणा की है। और आप देखते हैं कि खजुराहो काफी चर्चा में भी रहता है, विश्व विरासत स्थल में भी जुड़ा हुआ है साइटों में। और आपको मालूम होगा ये छतरपुर जिले में पड़ता है, कहाँ, छतरपुर जिले में पड़ता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि चंदेल राजाओं से जुड़ा हुआ है। वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ट्रेन 18 के नाम से भी इसे आप लोग जानते हैं। और यह एक भारतीय सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है जो खजुराहो को देश के विभिन्न भागों से जोड़ेगी। और याद रहे, खजुराहो मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है, यह अपने चंदेल साम्राज्य के स्थापत्य के लिए जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक कंदरिया महादेव मंदिर प्रसिद्ध है और यह माना जाता है कि ये 10वीं शताब्दी से में बनवाए गए थे मंदिर। और कभी आपको टाइम मिले तो आप लोग जाइएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ। और जब भी इस तरह की किसी साइट पर आप लोग घूमने जाते हैं तो उसके बारे में पढ़ के जाया करिएगा, तो इससे क्या रहेगा कि आपका इतिहास भी कवर होगा और मुझे लगता है कि आप लोग घूम पाएंगे भी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली घटना है मध्य प्रदेश में जो भेड़िया है, इसे राज्य का दर्जा दिया गया। किसे? भेड़िया को। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 772 कितने 772 भेड़िए निवास करते हैं। और इस वजह से आप देखेंगे मध्य प्रदेश को देश का सर्वाधिक भेड़िए होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और भेड़िए मांसाहारी जीव हैं जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के जंगल इन जीवों के प्रजनन और संवर्धन हेतु उपयुक्त आश्रय प्रदान करते हैं। और आप देखेंगे नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य को इस दिशा में सर्वोत्तम माना गया है। और इससे पूर्व मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया जा चुका है। आप देखेंगे 526 टाइगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में हैं। अभी आपने देखा है जो नई गणना हुई थी, यह सम्मान राज्य को देश में सर्वाधिक बाघों के संवर्धन हेतु प्रदान किया गया है। और साथ में राज्य में आप देखते हैं 11 वनों को प्रोजेक्ट टाइगर हेतु समर्पित किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वैसे भी मध्य प्रदेश के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को याद रखना चाहिए, 1 नवंबर 1956 में आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। उसके बाद आगे चल के 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बना दिया गया था। और आपको बता दूं, जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में पहले नंबर पर था एमपी, आपका एमपी पहले नंबर पर था, लेकिन अब आपका दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका राजस्थान का नंबर है। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, यहाँ राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 229 सीटें हैं, 229 टोटल, ठीक है, 230 आपकी विधानसभा में, 11 राज्यसभा में, 29 आपकी लोकसभा में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भोपाल यहाँ की राजधानी है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह साहब, ठीक है, बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी के।
मध्य प्रदेश के तीरंदाजों का एशियाई खेलों हेतु चयन हुआ है, किसके लिए? एशियाई खेलों के लिए। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, और आप देखते हैं कि इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। हाल ही में मध्य प्रदेश की मुस्कान किरार को आगामी एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। किन्हें? मुस्कान किरार को। और आप देखेंगे ये काफी चर्चा में रहती हैं, मध्य प्रदेश की ही खिलाड़ी हैं, ठीक है? तो इनके बारे में भी याद रखिए, किरार, ठीक है? और आप देखेंगे इनको कौशल का विकास मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी में किया गया है, और यह अकादमी राज्य के जबलपुर शहर में आपको देखने को मिलेगा। मुस्कान जबलपुर की निवासी है। कहाँ की? जबलपुर की निवासी है। और आप देखेंगे इससे पूर्व मुस्कान 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक इन्होंने जीता था। क्या? रजत पदक। उन्हें अपने खेल के लिए योगदान हेतु विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, विक्रम पुरस्कार। मुस्कान किरार के साथ रागनी मार्ग का भी चयन किया गया है। किन्हें? रागनी मार्ग का। और रागनी मार्ग भी आप देखेंगे जबलपुर की निवासी है। कहाँ की? जबलपुर की है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। अगली खबर है आपकी ई प्राइम मूवर मशीन। ये क्या है? प्राइम मूवर मशीन। तो आपको बता दूं, क्या बताना है? यही एक बहु उपयोगी कृषि यंत्र है, और इसका विकास सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल द्वारा किया गया है। यह एक सौर आधारित मशीन जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। यह बहुउपयोगी उपकरण है जो वीडिंग, होइंग, ट्रांसप्लांटिंग जैसी गतिविधियों में आप देखेंगे सक्षम है, और इसके द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जा सकता है। अगर आप लोग खेती किसानी से जुड़े होंगे तो आपको मालूम भी होगा, यह मशीन अत्यंत कार्यकुशल है। उदाहरण के लिए एक एकड़ जमीन में मात्र आधे घंटे में कीटनाशक का छिड़काव कर सकती है। इससे क्या रहेगी कि आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर क्या रहता है कि छिड़काव करता है इस कीटनाशक का, तो उसे भी नुकसान होता है कीटनाशक से, तो इससे फायदा भी रहेगा। और याद रखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल की स्थापना 1976 में की गई थी। कब? 1976 में। तो ये भी याद रखिए इस कॉलेज के बारे में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल की स्थापना कब हुई थी? 1976 में, भोपाल में देखने को मिल जाएगा। अगली खबर है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस। ये क्या है? प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। इसमें क्या कहा जा रहा है? इस तरह के जो सूचकांक आते हैं ना, इंडेक्स आते हैं ना, रिपोर्टें आती हैं ना, उसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जारी किया हुआ है। किसने? नीति आयोग ने। तो ये भी याद रखिए, ये नीति आयोग वही है जो आप देखते हैं कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया हुआ था। और इस सूचकांक में मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के मामले में सातवां स्थान है। मध्य प्रदेश को सातवां स्थान मिला है एमपी को आपके, और बड़े राज्यों में गुजरात इस सूचकांक के टॉप पर बना हुआ है। गुजरात से आप देखते हैं कि आपके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब आते हैं, और आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब भी आते हैं गुजरात से। यह भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम है, ताकि भुगतान संतुलन को भारत के पक्ष में किया जा सके। और नीति आयोग भारत की केंद्रीय नीति निर्माण एजेंसी है, इस योजना आयोग का स्थान लिया है इसने। तो ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, इसके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। क्या? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, एक ओवरव्यू इसके बारे में भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इस तरह के पुरस्कारों से भी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तमाम पुरस्कार दिए जाते हैं 2020। तो आप देखेंगे हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कैसे? इंदौर को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंदौर वैसे आप देख रहे हैं स्वच्छता के मामले में देख लीजिए टॉप पर बना हुआ है, और ऐसे पश्चिमी क्षेत्र में जल संवर्धन की श्रेणी में सर्वोत्तम जिले का पुरस्कार मिला है इंदौर को। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया। और विगत समय से इंदौर जल संवर्धन, जल पुनर्संरक्षण, सीवेज मैनेजमेंट आदि की दिशा में बेहतर काम कर रहा है, और इंदौर को अपनी स्वच्छता के स्तर के लिए भी जाना जाता है। यह लगातार आप देख रहे हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है, अपने टॉप पर बना हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। भोपाल को उसका 5G नेटवर्क मिलने वाला है। कौन सा? 5G। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। आप देखेंगे जल्दी भोपाल भारत का पहला स्मार्ट शहर बन जाएगा जहां 5G सुविधा उपलब्ध होगी।
और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक 5G सुविधा को प्रारंभ हो जाएगा। और 5G आप सभी जानते हैं कि 5वीं पीढ़ी का मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा है। पहले आप लोगों ने 1G देखा, 2G देखा, 3G देखा, 4G देखा और 5G देख रहे हैं। अन्य देशों में 6G देखने लगे हैं आप लोग। आज तो हमारे देश में आप देख रहे हैं 3G ही अच्छे से नहीं चल रहा है। और विश्व स्तर पर यह सेवा 2019 में प्रारंभ हो चुकी थी 3G की, क्या 5G की 2019 में। हम लोग 2 साल लेट चल रहे हैं, 3 साल, समझ रहे हैं। और भारत में पहले प्रोजेक्ट के रूप में 5G सुविधा 4 नगरों शुरू की जाएगी, जिनमें एक भोपाल है और अन्य नगरों में आपका बेंगलोर, दिल्ली, गुजरात का कांडला शहर सम्मिलित है। तो ये भी याद रखिएगा। अगली खबर है मध्य प्रदेश में टेपा सम्मान। ये टेपा सम्मान क्या है? टेपा टेपा सम्मान, इसके बारे में जान लीजिए। हाल ही में लाला अमरनाथ हास्य बरंग सम्मान दिए गए हैं और इसके अंतर्गत भारतीय हास्य कलाकार सुनील पाल को इस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। और इस कार्यक्रम का आयोजन 1 अप्रैल 2022 को उज्जैन में किया गया था और यह सम्मान का 50वां संस्करण है। इसकी स्थापना अगर बात करें तो 1970 में हुई थी और तब से यह प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है। कोविड महामारी के कारण इसका आयोजन 2 वर्षों से टलता आ रहा है और 2022 में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, लाला अमरनाथ हास्य ब्रेंग सम्मान, टेपा सम्मान भी कह देते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा बम आयुध निर्माणी एक खमरिया में किया जा रहा है। खमरिया आप सभी जानते हैं कि जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ रक्षा के क्षेत्र में जो भी उपकरण लगते हैं उन्हें का निर्माण किया जाता है काफी का। खमरिया जबलपुर में है, जबलपुर हाईकोर्ट है आपका, जबलपुर मुख्य ब्रांच है और हाईकोर्ट की आप देख रहे हैं कि 2 खंडपीठ है, एक तो इंदौर, एक ग्वालियर। और वैसे आपको मालूम होगा कि न्यायिक राजधानी भी आप लोग कहते हैं इसे। और आप देखेंगे इस बम को जनरल पर्पस बम कहा जाता है। इसका वजन आप देखेंगे 500 किलोग्राम है, इसकी लंबाई 19 मीटर है। यह संपूर्ण पाकिस्तान को नष्ट करने की क्षमता रखता है। और आयुध निर्माण खमरिया की स्थापना 1942 में की गई थी। तो पड़ोसी पाकिस्तान से कह दीजिए, अब एक तरह से डर के रहे, पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता है। ऐसे कारगिल युद्ध के दौरान किए गए कार्य के लिए सराहा जा रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आपको मालूम है कि नाम बदलने की परंपरा हुई है, और जिसे आप लोग बाबई कहते थे ना, क्या कहते थे? बाबई। इसका नया नाम है माखन नगर, माखन नगर होगा। और इसके बारे में याद रखिए, मध्य प्रदेश का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है और बाबई राज्य के नर्मदापुरम जिले का नगर है। और इससे पूर्व आपने देखा होगा नर्मदापुरम को होशंगाबाद नाम से जाना पहले जैसे आप लोग होशंगाबाद के नाम से जानते थे ना, उसे अब आप लोग नर्मदापुरम के नाम से जानने लगे हैं। और बाबई महान लेखक और स्वतंत्रता सेनानी मखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि है और इस शहर का नाम उन्हीं के सम्मान में बदला गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने स्वाधीनता से संबंधित विचारों को प्रसारित करने हेतु जबलपुर से करमवीर का प्रकाशन किया था। 1955 में इन्हें हिमतरंगनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो माखनलाल के बारे में भी याद रखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, तो इनका भी आप लोग नाम याद रखिएगा। तो ये कुछ घटनाएं थी अप्रैल महीने की। चलिए, तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और हो सकता है कि इन सभी घटनाओं में से एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षाओं में आता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक है करंट अफेयर्स। तो कम से कम जो घटनाएं मुख्य हैं उन्हें हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना है। अब आप देखिए कि मेरे पास कोई बेहतर व्यवस्था तो है नहीं कि मैं आपको वाइट बोर्ड उपलब्ध कराऊँ, ये काम चला रहा हूँ जैसे तैसे। तो आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि मिलते रहना चाहिए सुविधा, इसके लिए लगा रहता हूँ, करता रहता हूँ। चलिए, तो आप लोग एंजॉय करिए, और कुछ सवाल हो आपके तो उन्हें भी बताते रहिए, और भी कुछ कमी हो तो वो भी बताइए आप लोग, ठीक है।